नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी मिली। अब इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बिल में सोशल साइट और ऐप पर आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों व्हाट्सएप पर डाटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। इस मामले को लेकर बवाल मचा था, तभी आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार निजता को गंभीरता से लेती है और सूचना को गोपनीय इसी का हिस्सा है। बिल का जो मसौदा सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाला था उसके मुताबिक आम लोगों के निजी डाटा के सही और पारदर्शी इस्तेमाल की जिम्मेदारी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों पर सौंपी गई है। जो डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं उपभोक्ता की बिना जानकारी या चोरी करके उसके डेटा का इस्तेमाल करना अब दोनों ही तरह के एजेंसियों को भारी पड़ने वाला है। बिल में ऐसी हरकत के लिए ऐसा करने वाली एजेंसियों पर 15 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 6 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कड़ीनार स्थित आईटीबीपी के कैंप में यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले जवान की भी इस घटना में मौत हो गई। फिलहाल घायल जवानों को राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। रेंज के आईजी पी सुंदर राज ने जवानों के बीच झड़प की घटना की पुष्टि की है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस मामले की विस्तृत जानकारी मंगाई जा रही है। जवानों की छुट्टी तय रहती है, उन्हें छुट्टी के लिए रोका नहीं जाता, इसलिए छुट्टी की वजह से घटना नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, जवानों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ होगा, थोड़ी देर में ही घटना से जुड़ी और जानकारी आ जाएगी। बताया जा रहा है कि बुधवार यानी आज सुबह काड़ेनार कैंप में गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही जवान कैंप की ओर भागे। मौके पर जवानों ने देखा कि 4 जवानों के शव पड़े हुए थे। साथियों पर गोली चलाने वाले जवान की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवानों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद एक जवान ने अपने सर्विस राइफल से साथियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। बीच भराव करने व आए बाकी के जवानों को भी गोली लग गई और वो घायल हो गए। वहीं खबर आ रही है कि हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन उम्मीद से कम होने से केंद्र सरकार चिंतित है, इसलिए राजस्व बढ़ाने के लिए अब सरकार कई ऐसी वस्तुओं सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है जिन्हें इससे अभी तक छूट मिली हुई थी। इस बार भी निर्धारित लक्ष्य से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ जिसकी वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 3 महीने से मुआवजा नहीं दे पाई। अब सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। जीएसटी छूट से कई प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है। इस पर फैसला 15 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगी। गौरतलब है कि करीब 3 महीने से जीएसटी का भुगतान न मिलने पर 5 राज्यों ने हाल में केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि यह बकाया तत्काल दिया जाए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, राजस्थान और दिल्ली के वित्त मंत्री ने एक संयुक्त बयान जारी कर हाल ही में कहा था कि यह मुआवजा न मिलने से राज्य वित्तीय रूप से भारी दबाव में है और केंद्र सरकार ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई। जीएसटी में राज्यों के कुल राजस्व का करीब 60% हिस्सा होता है। जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकारों के साथ केंद्र का जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की केंद्र सरकार भरपाई करती है। साथ ही खबर आ रही है केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की तरफ से अब यह बिल को संसद में पेश किए जाने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह इस बिल को संसद में विरोध भी करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि घुसपैठ या कोई भी हो उसे बाहर जाना ही होगा।
कांग्रेस पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है और मोदी सरकार पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने जा रहे हैं क्योंकि नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। कांग्रेस के अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि वह इस मसले का संसद में विरोध करेंगे। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा का कहना है कि हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। अभी तो NRC भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इस बिल में उत्तर पूर्व में डेमोग्राफी पर फर्क पड़ेगा। CPIM नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता, ये बिल भारत के आधार को ही तोड़ता है। उन्होंने लिखा कि भारत के नागरिक सिर्फ नागरिक हैं, उन्हें उनके धर्म जाति के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। वहीं काफी दिनों से सुर्खियों में रह रहे INX मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को जमानत मिल गई है। चिदम्बरम का यह मामला ED से जुड़ा है, इसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदम्बरम को CBI से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदम्बरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2,00,000 के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है। चिदम्बरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे। जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदम्बरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू ना दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को INX मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने के लिए चिदम्बरम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हों और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है। हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार यानी 4 दिसंबर को कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, कई शर्तों के साथ पी चिदम्बरम को जमानत दे दी। तो ये थी देश से जुड़ी कुछ खास खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव TV। नमस्कार।